गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास थर्ड ई वी एस रिविजन ऑफ चैप्टर नाइनटीन टेक्सटाइल्स स्टूडेंट्स टेक्सटाइल मीन्स फैब्रिक और क्लोथ टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा इट इज़ ए मटीरियल दैट हैज़ बिन वोवन फ्रॉम यान देखो एक मटीरियल होता है जो कि यान यान होता है आपका धागा धागे को बुन के बनाया जाता है और यान हमें किससे मिलते हैं बच्चे यान धागे किससे मिलते हैं धागे बच्चे आप जानते हो जो आपकी ऊन है कॉटन है और जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं इन सभी से, से में धागे मिलते हैं आगे बढ़ते हैं डाइंग एंड डेकोरेटिंग टेक्सटाइल्स जो आपके कपड़े हैं उन्हें कैसे डाई और डेकोरेट किया जाता है पहले हम डाइंग पढ़ेंगे डाइंग होता है रंगना रंगाई जो होती है कपड़े के ऊपर वो किस प्रकार से होती है देखो जब आपका जो कपड़ा है वो रेडी हो जाता है इट इज़ डाइड फिर उसे क्या किया जाता है जब कपड़ा बिल्कुल रेडी हो गया आपका बन गया है कपड़ा बिल्कुल बुन कर तैयार हो गया फिर उसे डाई किया जाता है इस, इस क्या होता है इसमें द तो प्रोसेस ऑफ सोकिंग द क्लोथ इन तो कलर सोल्यूशन टू गेट द डिजायरेबल कलर इज कॉल डाइंग डाइंग क्या है बच्चा डाइंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं जब आपका कपड़ा है उसे भिगोया जाता है एक कलर सोल्यूशन में यानी एक रंगीन पानी में उसे भिगोया जाता है जो भी कलर आप उस पर करना चाहते हो वो पाने के लिए देखो ब्लू कलर रेड कलर येलो कलर जिस भी कलर में आपको उस कपड़े को रंगना है जिस भी कलर का कपड़ा आप चाहते हो तो उसे वो कलर देने के लिए उस कलर के पानी में उसे भिगोया जाता है तो यही प्रोसेस आपका डाइंग कहलाता है तो देखो यहाँ सेफ्रेंट पील ऑफ पॉम्बिंग ग्रेनेट अनियन मैंगो टर्मरिक टर्मरिक होती है आपकी हल्दी ये सभी आपके नेचुरल डाइज हैं तो ये कलर के लिए इनका यूज़ करते हैं सारे आपके नेचुरल डाई हैं इसके अलावा देखो ब्लू कलर किससे मिलता है बच्चा इंडिगो प्लांट से डाई करने के लिए ब्लू कलर चाहिए तो वो इंडिगो प्लांट से लिया जाता है और जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं वो सही मैंडमेड होते हैं यानी इंसानों द्वारा बनाए गए कलर्स होते हैं तो ये तो नेचुरल कलर्स हो गए जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और सिंथेटिक कलर जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं ओके बच्चा क्लियर हुआ नेक्स्ट है आपका सेकेंड ब्लॉक प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग में बच्चे क्या है देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है वुडन ब्लॉक्स होते हैं लकड़ी के गुटके होते हैं जिन जिन्हें कार्ड होता है आपका खोद खोद के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं देखो इस तरीके से लकड़ी की गुटके होते हैं ना खोद खोद के अंदर से खुदाई करके इनकी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं फिर क्या करते हैं जो फैब्रिक कलर्स होते हैं उनमें इन्हें डिप किया जाता है फिर जिस कपड़े पे हमें वो डिज़ाइन डालना है उस पर ज़ोर से प्रेस करके से दबा के वो जो पैटर्न है जो सुंदर पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर वो पैटर्न कपड़े पर छप जाता है तो इस तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग डन होती है ओके बच्चे क्लियर है नेक्स्ट देखो थर्ड टाई एंड डाई टाई एंड नई बच्चे क्या होता है आपका देखो टाई एंड डाई में दिया गया आपको सम पार्ट्स ऑफ द क्लॉथ इज टाइड एंड देन डाइड इन मैनी वाइब्रेंट कलर्स एंड लेफ्ट टू ड्राई बच्चे इसमें क्या होता है जो कपड़ा है उसके कुछ हिस्सों को बांध दिया जाता है फिर उसे डाई करने के लिए पानी में डाला जाता है फिर उसके बाद क्या होता है फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब वो जो हिस्से हमने बांधे थे उन बंधे हुए हिस्सों को जब खोला जाता है तो बच्चा एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन निकल के सामने आता है देखो इस तरीके से दिखाया भी गया आपको यहाँ इस प्रकार से तो बच्चा देखो ये जो एंड डाई है ये गुजरात और राजस्थान में इस तरह के टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है नेक्स्ट है आपका कलमकारी कलमकारी बच्चे क्या है ये कॉम्बिनेशन है ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंडमेड डिज़ाइंस का पहले ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटिंग करी जाती है फिर उस पर हैंडमेड डिज़ाइन बनाया जाता है देखो हैंडमेड डिज़ाइन बनाने के लिए एक स्पेशल पेन का यूज़ किया जाता है ओके बच्चा अब देखो श्री श्री काला हस्ती और मछलीपट्टनम ये दो जगह ऐसी है जो आ, दोनों आंध्र प्रदेश में है ये तो ये दो मेजर सेंटर्स हैं जो इस टेक्सटाइल कलमकारी के लिए फेमस हैं नेक्स्ट है आपका इकट इन इकट द थ्रेड्स आर डाइड इन टू डिफरेंट कलर्स एंड देन वोन ऑन अ लूम टू ऑप्टेन अ क्लोथ विद डिज़ाइन उड़ीसा इज फेमस फॉर इकट इकट ने बच्चे क्या होता है पहले धागों को डाई किया जाता है रंग बिरंगे धागे तैयार करे जाते हैं फिर उससे कपड़ा बुना जाता है तो बच्चे ये होता है आपका इकट और इकट जो है वो आपका उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है फिर आता है बाटिक बाटिक में क्या होता है बच्चे जो भी डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन को पहले क्या करते हैं आ, कपड़े पे डिज़ाइन को बनाया जाता है फिर उसके ऊपर वैक्स डाली जाती है फिर क्या करते हैं जब वैक्स ठंडी हो जाती है उसे हटा कर गए कपड़े को कलर में डिप किया जाता है तो ऐसे बड़े सुंदर सुंदर कलर जो है उसका डिज़ाइन बन के निकल आता है देखो यहाँ दे भी गए बाटी गया आपका अब आता है नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी होता है वो कढ़ाई तो एम्ब्रॉयडरी बच्चे कैसे होती है एम्ब्रॉयडरी के देखो थ्रेड्स नेडल मिरर बीड शेल्स बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है ठीक है फुलकारी पंजाब में कंठा वर्क बंगाल में और जाल वर्क जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है और ये सभी आपके एम्ब्रॉयडरी के एग्जांपल्स हैं याद रखना फुलकारी कंठा वर्क और जाल वर्क फुलकारी पंजाब कंठा वर्क बंगाल और जाल वर्क जम्मू कश्मीर में ओके आगे बढ़ते हैं बचा चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका आगे अब दी गई आपको एक्सरसाइज एक बार मैं आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइ एन डाई इज़ अ टाइप ऑफ डैश तो बच्चा टाई एन डाई एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बोथ ए एन बी पताओ उनमें से किसका पार्ट है तो बच्चा करैक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी पैटर्न सेकेंड द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द क्लोथ इन कलर सोल्यूशन इज कॉल्ड डाइंग ऑप्शन बी डाइंग इज़ करेक्ट थर्ड जाल वर्क इज डन इन जम्मू एंड कश्मीर अभी हमने पढ़ा जालवर्क देखो हुए एम्ब्रॉयडरी है जो कि जम्मू कश्मीर में होती है बी पार्ट है बच्चे आपको दो दो एग्ज़ाम्पल लिखने हैं फर्स्ट पूछा गया आपसे स्टेट्स फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी उन स्टेट्स के नेम लिखो जो एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है तो बच्चा पंजाब एंड बंगाल आएगा इसमें जम्मू कश्मीर भी आपका आ सकता है सेकेंड है स्टेट फेमस फॉर टाई एंड डाई गुजरात एंड राजस्थान मेजर सेंटर ऑफ कलमकारी कलमकारी के टू मेजर सेंटर्स हमने पढ़े थे श्रीकाला हस्ति और मछलीपट्टनम और ये दोनों कहाँ पे हैं आंध्र प्रदेश में सी है बच्चे आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को फर्स्ट है आपका इकट्ठे फेमस वर्क ऑफ डैश पंजाब और उड़ीसा विच वन इज़ करेक्ट उड़ीसा इज करेक्ट तो आप उड़ीसा लिखेंगे सेकेंड नेचुरल डाइज आर ऑप्टेंड फ्रॉम डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स तो बच्चे नेचुरल डाइज में प्लांट्स से मिलती है तो आप प्लान्स को टिक करेंगे नेक्स्ट है आपका थर्ड इन कलमकारी हैंडमेड डिज़ाइंस आर मेड विद अ स्पेशल पेंसिल और पेन तो बच्चा पेन होगा हमने पढ़ा था कलमकारी में क्या होता है जो हैंडमेड डिज़ाइन्स हैं वो एक स्पेशल पेन की हेल्प से बनाए जाते हैं डी पार्ट है बच्चे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं उससे पहले देखो आपके टेन के वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आप नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे अब आता है आपका डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन डी पार्ट है बच्चे देखो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आप आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज ब्लॉक प्रिंटिंग डन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है आपकी वो किस तरीके से होती है बच्चा तो बच्चे देखो इसमें क्या लिखना है आपको इसमें आप लिखेंगे इन ब्लॉक प्रिंटिंग वुड एन विद डिफरेंट पैटर्न काव ऑन दैम वेट बच्चा हाँ जी देखो क्या होता है इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है जो वुडन के ब्लॉक्स होते हैं लकड़ी के कुटके होते हैं तो उस पर देखो डिफ़रेंट डिफरेंट पैटर्न बनाए जाते हैं डिज़ाइन बनाए जाते हैं खोद खोद के उन्हें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं फिर क्या करते हैं जो ये जो ये ब्लॉक्स रेडी हो जाते हैं इन्हें जो फैब्रिक्स और कलर्स होते हैं उनमें डिप करके जिस कपड़े पर डिज़ाइन करना है उस पर छापा जाता है तो इस तरीके से ब्यूटीफुल पैटर्न्स उस कपड़े पे बन के रेडी हो जाते हैं सेकंड क्वेश्चन ने पूछा गया आपसे व्हाट इज़ टेक्सटाइल तो बच्चे टेक्सटाइल मींस फैब्रिक और क्लोथ इट इज़ अ मटेरियल दैट हैज़ बीन वॉवन फ्रॉम यान बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये आपको लिखनी है टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा और ये मटीरियल है जो धागे को बुन करके तैयार किया जाता है सेकेंड है वट इज़ ए कट स्टेट इज़ फेमस फॉर दिस पैटर्न तो बच्चा इकट में क्या होता है पहले जो आपके धागे होते हैं उन धागों को डाई किया आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फिर उन धागों को बुन के कपड़ा तैयार किया जाता है तो ये आपका होता है इकट और उड़ीसा इकट के लिए बहुत फेमस है ओके बच्चे तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए तो बच्चा आपका चैप्टर नाइनटीन जो है टेक्सटाइल्स वो कम्प्लीट होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा चैप्टर है आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हमने करी है सबको अच्छे से लर्न करोगे ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही आप चैप्टर नाइनटीन को रीड कीजिए और लर्न कीजिए थैंक यू